थपकी थपकी प्यार की। रात को एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो? ये तो तुम सुबह करते हो ना। तुमने आज कुछ ठीक ठीक से खाया भी नहीं है। हुआ क्या है तुम्हें? टॉवल चाहिए ना, ये लो। बेहान बात क्या है? तुम मेरी किसी भी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों तुम दे रही हो जवाब? नहीं ना तो फिर हम क्यों दे? और वैसे भी अब हम तुमसे तभी बात करेंगे जब तुम हमें जवाब दोगे। बिहान मुझे वैसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा है, और ये सब सुन के तुम मुझे उल्टा और परेशान कर रहे हो। देखो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? तुमसे पहले हमारा प्यार, मतलब हमारा दूर वाला प्यार, हमारा फर्स्ट क्रश। क्रश? क्रश? हाँ वही, तुमसे प्यार करने से पहले हमारा पहला और आखिरी क्रश वो कटरीना। वो तो हमेशा जवाब देती थी हमें, वो भी हर बार। और हाँ मैं कटरीना, उसने कब बात की तुमसे? हमारे सपने में। और कब? सपने में सही, वो कम से कम जवाब तो देती थी। और तुम ना सपने में बोलती हो ना वैसे। बस इतनी बात करनी थी हमें तुमसे। अब हम भी तुमसे तभी बात करेंगे जब तुम्हारे पास जवाब होगा। तुमसे प्यार करने से पहले हमारा पहला और आखिरी कर्ज वो कटरीना, वो तो हमेशा जवाब देती थी हमें। कटरीना? कटरीना तुम हमें माफ कर दो, क्योंकि अब हम तुम्हें नहीं थपकी को प्यार करते। जल्दी हाथ चलाओ, बोलो बस पहुंच गए ना स्टेशन पे। हाँ बड़ी सासू, मैं कर ही रहे हैं। हाँ पहुंच गए तुम लोग? संजय स्टेशन गया है तुम्हें लेने के लिए।
जल्दी से आ जाओ। दादी, बड़ी माँ, देखिए ये मैं गिफ्ट लाया हूं उनके लिए। गणेश जी? हाँ हाँ। बहुत ही प्यारे हैं। प्यारे हैं ना, तो मैं इसे गिफ्ट रैप कर दूं? हाँ हाँ, कर दो। अरे जल्दी जल्दी करिए, वो लोग ना स्टेशन से निकल गए इधर आने के लिए। हाँ? अरे हाँ। उनके आने के पहले ही हो जाएगा। दादी माँ, कोई आ रहा है क्या हमारे घर में? हाँ बेटा, बहुत ही खास मेहमान आ रहे हैं। अरे सुनो ना, तुम सुमन के साथ जाके ना रसोई संभाल लो, और सब सामान ना उनके आने के पहले हो जाना चाहिए तैयार। अरे बिहान, मैं तुझे ही बुलाने वाली थी। ऐसा कर, बाजार जाकर ना कचौड़ियां, मिठाई और समोसे ले आ नाश्ते के लिए। क्यों दादी माम, कोई आने वाला है क्या? हाँ। कौन? कौन आने वाला है, जब आ जाएंगे ना तब देख लेना। ऐसे मुंह उठाए चले आ रहे हो सवाल करते हुए, हद होती है हर बात की। जाओ जाकर सामान लेकर आओ। काजू कतली जरूर लेकर आना है। और सुनो, अब किसी जरा पूछ तो लो, उसे रसोई घर के लिए कुछ चाहिए कि नहीं। तुम्हें कुछ चाहिए? कुछ चाहिए होगा तो फोन कर दूंगी तुम्हें। अरे तब की चलो ना, रसोई घर में बहुत काम है। चलो आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। वेरा यू श्रद्धा, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। देखो बाऊजी के लिए रामायण पढ़नी है ना। अरे यार, ये तो यमराज की तरह मेरे पीछे ही पड़ गई है। कैसे सुनाऊं हर दो दो घंटे में तीन तीन रामायण का पाठ? अभी ढूंढती हूँ तुम्हें। यहाँ पे भी नहीं है लगता है। वो चुड़ैल श्रद्धा ना यहाँ पे है ही नहीं, बाहर जाके ही ढूंढती हूँ अब। सोचा कि जाके नीचे सबसे मिल लूं, फिर आराम से बाऊजी के पास आके रामायण पढ़ूंगी। मिलने की क्या जरूरत है, और वैसे भी ना गेस्ट आ रहे हैं तो सब लोग उनकी तैयारी में लगे हुए हैं। कौन से गेस्ट? जब आएंगे तब देख लेना। अब चलो जल्दी चलो, बाऊजी को पहले ये रामायण पढ़ के सुना दो। चलो चलो जल्दी चलो, फॉलो मी। बड़ी सासू माँ, खाने पीने का सारा इंतजाम हो गया है, बस वो लोग जल्दी से आ जाए। माँ बताइए ना कौन आने वाला है, जब आएंगे तब देख लेना, है ना? क्यों माँ जी? अरे लो आ भी गए। इतने सालों बाद देख रही हूँ तुम्हें, पर लग बिल्कुल नहीं रहा है कि इतने साल बीत गए, है ना? आइए मेरे पास आइए तो। प्रणाम मौसी जी। तरबिया, लेकिन मुझे देखकर तो लग रहा है ना।
अरे कितनी बड़ी हो गई है तू, आप भी तो पहले से ज्यादा क्यूट हो गए हो। मुझे तो लगा था कि विलायत से पढ़ के आई है, लेकिन देखो पैर छू रही है। अरे हमका तो लगा था ऐसे कपड़े पहनी है तो हेलो हाय जैसे कुछ करेगी, पर ये तो पैर छू रही है। देश बदला, कपड़े बदले, पर संस्कार नहीं बदले भाभी। बहुत ही बढ़िया बात है ये तो। अरे थपकी, तुम वहाँ क्या कर रही हो? इधर आओ, जल्दी से आओ, मिलो इनसे। ये है सावित्री जी, मेरे लिए ना बहन से भी बढ़कर है। चलो पैर छो पैर छो। ये है थपकी जी। जरूर बेटा, ये है थपकी। खुश रहो। और ये है सावित्री जी की बेटी शीना। नमस्ते। आहा, ऐसे नहीं ऐसे। फोन पर वसुंधरा जी तुम्हारी कितनी तारीफ करते थे, मैं तो वेट कर रही थी कब तुमसे मिलूं और गले लगाऊं। एंड ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल तुम्हारी ही तरह बनूंगी और यहाँ किसी को कोई शिकायत नहीं होगी मुझसे। अब खड़े क्यों हैं हम लोग, बैठो ना। हाँ। चलो बैठो बैठो बैठो। अरे सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? हाँ तो अच्छी बात है। कहाँ देख रही हो, किसे ढूंढ रही हो? वही जो अभी तक गायब है। कहाँ है बिहान? देखो माँ जी, बचपन में भी यही करा करती थी, ये बिहान को ढूंढती थी जैसे ही घर के अंदर घुसती थी, बिहान बिहान बिहान। हद हो गई, अभी भी यही कर रही है। वैसे भी शीना अपने घर कम हमारे यहाँ ज्यादा रहती थी। अरे बिहान के साथ खेलना जो होता था इसने। हाँ बचपन चला जाता है, पर बचपन की दोस्ती तो चलती रहती जिंदगी भर, है ना माँ जी? अरे इनके बचपन के किस्से तो पूरे मोहल्ले में मशहूर है। सही कहा संजय ने, अरे इन दोनों का तो बस एक ही काम था, पूरे दिन धमाल चौकड़ी करना और फिर लोगों को परेशान करना। हमारी तारीफ हो गई भैया, अब ये तो बताओ कि हम है कहाँ? ये लो बिहान भी आ गए। माँ ये आपकी काजू कतली। हेलो बेटा। अरे सावित्री मौसी आप? हेलो मैं भी हूँ। अरे शीना छिपकली, तू इतनी बड़ी हो गई। और तुम भी टेडी बियर, तुम भी तो लंबू और हैंडसम हो गए। वाह यार, क्या सॉलिड बॉडी बना ली है। जिम शिम। हाँ तू भी तो विदेशी मेम हो गई है, एकदम गोरी चिट्टी। तुम्हारी कैटरीना को भी पीछे छोड़ दिया ना। तुझे कैटरीना याद है अब तक? पर तुझे मैं याद हूँ क्या? अरे सावित्री मौसी माफ करना, ये शीना सामने आ गई तो आपकी सारी दुनिया को भूल गया ये। हाँ बचपन में भी हर वक्त इसे शीना ही तो चाहिए होती थी, शीना कहाँ है शीना कहाँ है शीना कहाँ है। हाँ माँ अब समझ में आया आपने एक खास काजू की कतलियां क्यों मंगाई इस छिपकली के लिए। अच्छा पहले ये बताओ, बाहर जो बाइक खड़ी है वो तुम्हारी है क्या? हाँ बाबूजी ने हमें तोहफे में दिए। वाह फिर तो हम लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे एक बार। एक बार क्यों, तू जितनी बार बोलेगी उतनी बार। सबकी तुम भी चलना हमारे साथ। मैं क्या करूंगी तुम दोनों के साथ जाके, तुम दोनों चले जाओ। वैसे भी मैडम को बाइक पे बैठना पसंद है। लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है, हम दोनों चले ड्राइव पर। डन 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 डन। अरे ओ डन 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 डन। तुम लोग की अगर बातचीत खत्म हो गई हो तो इन्हें तुम्हारे बाबूजी से मिला दे। हाँ माँ हम मिला देते, आइए मासी। हाँ तब तक हम ना सबके नाश्ते का इंतजाम कर देते हैं। सबकी चलो ना हमारे साथ, थोड़ा मदद करा दो। आ जाओ आ जाओ। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनी गिरा लगत पचिताना, हृदय सिंधु मति सीप समामा।
नमस्ते भैया, वसुंधरा ने फोन पे सब बताया था। अब आप कैसे हो? हमारे बाबूजी तो सुपरमैन हैं, उन्हें कभी कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों बाबूजी? बड़ी हो गई? हाँ, पर चंचल बच्चों जैसी है। अरे हाय मौसी जी, हाउ आर यू? हेलो, आई एम गुड। ओह हाय शीना। अरे वाह भाभी, एज ऑलवेज ऑसम दिख रहे हो आप। थैंक यू सो मच। एंड यू टू? हाँ बिहान, ये ये हमारे घर की सबसे बड़ी बहू और हमारी सबसे प्यारी भाभी, श्रद्धा भाभी जी, ध्रुव की पत्नी। अरे वाह, ध्रुव की शादी हो गई, कहाँ है वो? वही जहाँ हर बार होता है, काम, ऑफिस। ध्रुव अभी भी वैसा है, एकदम सीरियस टाइप, सीधा साधा। हाँ ध्रुव तो बिल्कुल वैसा ही, लेकिन उसकी पत्नी उससे बिल्कुल अलग। सी फॉर चतुर, सी फॉर चालाक, एकदम तेज, एकदम तर्रार। एग्जैक्टली, हम दोनों है ही एक जैसे, इसीलिए तो हम दोनों की कुछ ज्यादा ही बनती है। सही कहा ना मैंने देवर जी? नमस्ते मासी जी। नमस्ते बेटा। वाह, स्मार्ट आंसर भाभी, बिहार तो क्लीन बोल्ड। वैसे आई एम शीना, बिहान की बेस्ट फ्रेंड। नाइस टू मीट यू। लाइकवाइज, मुझे तो पता ही नहीं था बिहान जी कि आपकी बेस्ट फ्रेंड भी है। अभी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप हमारे बारे में नहीं जानते, तभी तो आपने हमें अपने जैसा समझने की गलती कर दी। बाबूजी के आराम करने का वक्त हो गया, तो आप लोग नीचे चलिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। देवा जी, मैं सबको लेके नीचे चलती हूँ। हाँ अरे श्रद्धा, आप वो क्या है ना, बाबूजी जब रेस्ट कर लेना तब इवनिंग की रामायण पढ़ना मत भूलना। हाँ डोंट फॉरगेट डार्लिंग। चलिए आइए। ओके, रामायण तो पढ़ूंगी, पर पहले पता तो करूं कि ये घर में क्या नई रामायण चल रही है। भाभी, बिहान ने कभी शीना के बारे में बताया नहीं। अरे तब की कभी मौका ही नहीं मिला होगा ना, और देखा नहीं दोनों एक दूसरे से मिलके कितने खुश थे, एकदम चेहरा खिल गया था उनका, है ना? तब की? अरे माँ, दादी माँ, आप दोनों पूरा नाश्ता तैयार है, हम बस बाहर लेकर आ ही रहे थे। चलिए ना बेटा, तुमसे ना एक बहुत जरूरी बात करनी थी।